शिव महापुराण वर्णन कर रही है। देवराज को नहीं मालूम कि उनकी माता भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित करती है। आपको भले ज्ञात हो ना हो कि शिवजी को चढ़ाया गया जल हमें कब कब प्राप्त हो, किस किस जगह प्राप्त होता, कहां कहां मिल जाता। रामायण पढ़ी है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। सुनी है? उसमें एक पात्र है रामायण में, सूपनखा। रावण की बहन सूपनखा। रामायण के अंदर जितने पात्र हैं, रामचरितमानस में जितने पात्र हैं, सारे पात्र शिव के उपासक। रावण को देख लो, वो भी शिव का उपासक है। मंदोदरी को देखो तो वो भी शंकर का उपासक है, भगवान शिव का उपासक है। दशरथ जी को देखो तो वो भी शंकर के उपासक हैं। राजा जनक जी को देखो तो वो भी शिव जी के उपासक हैं, भगवान शंकर के। जटायु को देखें तो वो भी भगवान शंकर के उपासक हैं। संपाति को देखें तो वो भी भगवान शिव के उपासक हैं। विभीषण को देखो तो वो भी शिव का उपासक है। विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा को देखो तो वो भी शिव के उपासक है। रामायण में जितने पात्र, रामचरितमानस में आपको जितने पात्र मिलेंगे सब शंकर के उपास। उसी में एक पात्र है सूपनखा। कौन थी है? ये देवलोक में रहती थी, जिसका नाम था नयनतारा, अप्सरा थी। और देवलोक की अप्सरा बड़ी बड़ी सुंदर थी, बड़ी विद्वान थी, बड़ी ज्ञानवान थी, बड़ी चतुर थी, बड़ी विद्वत, जिसका नाम नयनतारा था। भगवान विष्णु स्फटिक के सुंदर पुखराज के शिवलिंग का पूजन करते थे। लक्ष्मी जी स्वर्ण और हीरे से जड़े हुए शिवलिंग का पूजन करती थी। ब्रह्मा जी सुंदर चंदन से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते थे। ब्रह्माणी पारत के शिवलिंग का पूजन करती है। इंद्र रत्नों से जड़ित शिवलिंग का पूजन करते। एक बार नयन तारा देवलोक की अप्सरा भ्रमण करती करती भगवान नारायण के बैकुंठ में चली गई। आप में से कई माताएं, कई भाई ऐसे हैं जिन्होंने कभी पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुनी, परंतु अपने 40 गांव में कथा हो रही तो उन्होंने कहा चलो सुनेंगे तो सुनेंगे, नहीं तो देख के तो आए जरा कि कथा कैसी चल रही है। देख यहाँ पहुंच जाए, वहां तक पहुंचे तो वहां तक देखें तो चलकर कि आखिर कथा क्या है, क्यों इतने सारे लोग कथा में आते हैं, लाखों भक्त यहाँ कथा में पहुंचते हैं, आखिर शिव पुराण में है क्या,
कई लोगों के मन में एक प्रश्न हो जाता है कि आखिर देखकर तो आया कि शिवपुराण में ऐसा है क्या। भगवान मालिक आखिर शुमा